नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है रोनपाल और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं वीडियो ऑफ पावरलिफ्टिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों। सबसे पहले अब हमारी यूट्यूब फैमिली 700 लोगों की हो चुकी है और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद हमारी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020। अभी हाल ही फिलहाल में 2020 जनवरी 2020 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, जो कि मुंबई में हुई थी। इस वीडियो को करने का मेरा मकसद इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग फेडरेशन के अंदर अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो दो कंपटीशन सबसे मेन टफ होते हैं हर गेम में। सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बहुत टफ होती है क्योंकि उसमें रेलवेज और भी सरकारी महकमे के प्लेयर खेलते हैं। और अगर सीनियर नेशनल के बाद कोई चैंपियनशिप टफ होती है तो वो होती है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, और इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ कर खुल के हिस्सा लेते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रथम देने की कोशिश करते हैं। और इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा इसलिए भी लेते हैं ताकि अगर उनके विद इन थ्री में मेडल आते हैं तो वो किसी भी, अगर कहीं सरकारी महकमे में कहीं जॉब निकलती है तो उसके लिए वो फॉर्म निकलते हैं तो उसमें वो अपनी भर्ती दे सके, अपना सिलेक्शन ट्रायल दे सके और कहीं सरकारी विभाग में सेट हो सके। तो आज का वीडियो इसी प्रकार से, आज मैं आप सबको ऑल इंडिया इंटरनेशनल पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2020 के मेंस के खिलाड़ियों के 59 केजी से लेके 120 केजी प्लस तक के खिलाड़ियों के सबके रिकॉर्ड बताऊंगा कि कौन चैंपियन बना, कौन सिल्वर मेडलिस्ट बना, किसने कितना टोटल दिया, इसी टाइप से। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बात करते हैं बिलो 59 केजी वेट क्लास की। इसके अंदर 53 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और 19 बच्चे वॉश आउट हो गए। और इसमें जो मेडलिस्ट हैं उनके सबसे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट पे हैं कुलकर्णी महेश, जिन्होंने 542.5 का टोटल दिया, जिसमें उनकी हाईएस्ट स्क्वाट रही 225, हाईएस्ट बेंच रही 130 और हाईएस्ट डेडलिफ्ट रही 187.5, 187.5 किलो, जिनका टोटल होता है 542.5 किलो। तो गाइस, दूसरे नंबर पे रहे सिल्वर मेडलिस्ट विशांत, जिन्होंने टोटल दिया 557.5 केजी, जिन्होंने हाईएस्ट वेट की 215 किलो, हाईएस्ट बेंच करी 127.5 किलो, हाईएस्ट डेडलिफ्ट करी 215 किलो, जिनका उनका टोटल होता है 557.5। इन्होंने जीता सिल्वर मेडल। अब बात करते हैं 59 केजी वेट कैटेगरी के बने चैंपियन यानी गोल्ड मेडलिस्ट परमेश की, जिन्होंने टोटल दिया है 570 किलो, उनमें उन्होंने स्क्वाट लगाई है 232.5, बेंच किया 102.5 और डेडलिफ्ट उनका रहा 235 किलो, जिनका टोटल होता है 570 किलो, और साथ ही साथ ये बने 59 केजी के चैंपियन। तो अब बात करते हैं अगली वेट कैटेगरी 66 की। वाई 66 केजी वेट क्लास में टोटल जो खिलाड़ी थे वो थे 59, और जिसमें से वॉश आउट हुए 15 लोग, और जिसमें जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बने वो है शशांक, जिन्होंने 630 किलो टोटल दिया है, जिसमें उनकी हाईएस्ट स्क्वाट रही है 242.5, हाईएस्ट बेंच रही 140 और हाईएस्ट डेड रही 247.5 केजी, जिनका टोटल होता है 630 केजी, और साथ ही साथ यहाँ बनते हैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। बात करते हैं 66 केजी वेट कैटेगरी के बने सिल्वर मेडलिस्ट नवीन कुमार की, जिन्होंने टोटल दिया है 637.5 केजी, और जिसमें इनका हाईएस्ट स्क्वाट रहा है 260 किलो, हाईएस्ट बेंच रही है 147.5 केजी और हाईएस्ट डेड रही है 230 किलो, और जिनका टोटल होता है 637 किलो 66 किलो में सिल्वर मेडलिस्ट। बहुत ही अच्छा टोटल है और बहुत ही लगता है ज़्यादा टफ फाइट थी इनकी और ब्रॉन्ज मेडल की, 7.5 किलो का ही मार्जिन है और काफी टफ फाइट देने के बाद इन्हें सिल्वर मेडल मिला होगा। करते हैं 66 केजी के बने चैंपियन यानी गोल्ड मेडलिस्ट साहिल की। ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है,
और इनका टोटल रहा 715 किलो 66 किलो में, बहुत ही ज्यादा टोटल होता है ये, सीनियर नेशनल जैसी फाइट देने वाला टोटल है ये। और इन्होंने हाईएस्ट स्क्वाट करी 285 किलो, हाईएस्ट बेंच करी इन्होंने 160 किलो, और हाईएस्ट डेडलिफ्ट करी इन्होंने 270 किलो। साथ ही साथ इसमें इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि इनकी 9 की 9 लिफ्टें पास हैं, और ये बेंच में भी इनका इंडिविजुअली अगर कोई मेडल इन्हें मिलता तो भी ये बेंच में भी फर्स्ट आते हैं, इंडिविजुअली स्क्वाट में भी फर्स्ट आते और इंडिविजुअली डेडलिफ्ट में भी फर्स्ट आते। इनकी तीनों लिफ्टें सबसे ज्यादा रही हैं, 9 की 9 लिफ्टें पास करने वाले पूरे चैंपियनशिप में एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनके मेडल आए हैं सब वेट कैटेगरी में से, उसमें सिर्फ साहिल की ही 9 की 9 लिफ्टें पास हैं। ये बहुत ही एक अच्छे पावर लिफ्टर की पहचान है जो अपने सारी उम्मीदों पे खरा उतरता है, जितना घर से टोटल सोच के आता उतना करता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको साहिल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज साहिल तक जरूर ये वीडियो पहुंचाएं। बात करते हैं इंडिया की सबसे मोस्ट और टफेस्ट फाइट, जिस वेट कैटेगरी में लोग मानते हैं वो होती है 74 और 83 केजी, जिसमें अब हम बात करेंगे 74 केजी वेट कैटेगरी जो कि यहाँ देखने को भी मिला, जिसमें कि 51 खिलाड़ियों ने भाग लिया और 18 खिलाड़ी वॉश आउट हो गए। और साथ ही साथ इसमें जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट और जो गोल्ड मेडलिस्ट बने इनमें भी काफ़ी टफ फाइट रही है, देखने लायक है। और इनका जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बने हैं वो हैं गुरजोत अरोड़ा, जिन्होंने हाईएस्ट जिन्होंने टोटल दिया है 720 किलो, जिनकी हाईएस्ट स्क्वाड है 270 किलो, हाईएस्ट बेंच 162.5 केजी और हाईएस्ट डेड 287.5 केजी, जिनका टोटल होता है 720 किलो 74 किलो में टोटल देना का मतलब होता है कि जूनियर नेशनल में मेडल आने के चांस बनना, सीनियर नेशनल में मेडल आने के चांस बनना और इंटरस्टेट मेडल आने के चांस बनना। तो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में कंपटीशन खेलना मतलब है कि बिल्कुल ही जैसे आप जूनियर नेशनल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सीनियर नेशनल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसी लेवल का टफ फाइट का कंपटीशन होता है, बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है। और ये जितने भी खिलाड़ी जीते हैं सबको बात करते हैं 74 केजी में बने सिल्वर मेडलिस्ट अमन सिंह की, जिनका की बॉडी वेट है 73 किलो 820 ग्राम और इन्होंने टोटल दिया है 735 किलो, बहुत बड़ा नंबर है 735 किलो, और इनका हाईएस्ट स्क्वाट रहा 305 किलो, इन्होंने 300 का आंकड़ा पार किया 305 किलो, और इनका हाईएस्ट बेंच रहा है 165 किलो और हाईएस्ट डेड रहा 265 किलो, जिनका की टोटल होता है 735 किलो 74 किलो में। अमन सिंह जिनका बॉडी वेट है 73 किलो 820 ग्राम, और मैं आपको ये बॉडी वेट इसलिए बार बता रहा हूँ क्योंकि जो चैंपियन बने हैं और इनमें और उनमें सिर्फ बॉडी वेट का ही फर्क रहा है, इसलिए मैं अमन सिंह का बॉडी वेट मेंशन कर रहा हूँ। अब बात करते हैं 74 केजी में बने चैंपियन यानी गोल्ड मेडलिस्ट धर्मेंद्र यादव की, जिनका बॉडी वेट है 72 किलो 720 ग्राम और धर्मेंद्र यादव ने भी 735 किलो का ही टोटल दिया है और अमन सिंह ने भी 735 किलो का ही टोटल दिया है, लेकिन धर्मेंद्र यादव का बॉडी वेट उनसे कम था तो इसलिए धर्मेंद्र यादव चैंपियन बने हैं। और धर्मेंद्र यादव ने हाईएस्ट स्क्वाट की है अपनी 250 किलो, हाईएस्ट बेंच की है 200 किलो और हाईएस्ट डेडलिफ्ट की उन्होंने अपनी 285 किलो, जिनका की टोटल होता है 735 किलो। आप देख रहे हैं गाइस कि दोनों खिलाड़ी सेम टोटल दे रहे हैं कि बॉडी वेट होने से उनका फर्स्ट एंड सेकंड मेंशन होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 74 केजी में कितनी टफ फाइट रही होगी इन्होंने आपस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए कितना मार्जिन और कैसे कैसे अपनी लिफ्टें बढ़ाई होंगी। तो अब बात करते हैं 83 केजी वेट कैटेगरी की, जिसमें कि 53 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और 6 खिलाड़ी वॉश आउट हुए, और जिसमें कि ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे कौशिक, मेरे को इनका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है,
इनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख ही जाएगा, जैसे कि आप सारे नाम देख रहे हैं। इन्होंने टोटल दिया है 720 किलो का, जिसमें कि इनकी हाईएस्ट स्क्वाट रही 305 किलो, हाईएस्ट बेंच इन्होंने किया 155 किलो और हाईएस्ट डेड किया 260 किलो। इनका टोटल होता है 720 किलो और ये बनते हैं 83 केजी के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। करते हैं 83 केजी में बने सिल्वर मेडलिस्ट विकास कुमार की, जिन्होंने टोटल दिया है 727.5 किलो, जिसमें कि उनकी हाईएस्ट स्क्वाट रही 267.5 केजी, हाईएस्ट बेंच रही 187.5 केजी और हाईएस्ट डेड रही 272.5 केजी, जिनका टोटल होता है 727.5 किलो और ये बनते हैं सिल्वर मेडलिस्ट। तो गाइस अब बात करते हैं 83 केजी के बने चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट आदित्य पालीवाल की, जिन्होंने टोटल दिया 745 किलो 745 और जिनकी हाईएस्ट स्क्वाट रही 285 किलो, हाईएस्ट बेंच रही 220 किलो और हाईएस्ट डेड रही 240 किलो। और साथ ही साथ आदित्य पालीवाल ने बेंच प्रेस में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड होल्डर बने 83 केजी में। गाइस अब बात करते हैं 93 केजी वेट कैटेगरी की, इसमें बहुत ज़्यादा फाइट थी और फाइट का मतलब ऐसा है कि ऐसा लगा लो सीनियर नेशनल ही चल रहा है। इसमें 51 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और जिसमें से 9 खिलाड़ी वॉश आउट हो गए और इसमें थर्ड प्लेस पे रहे ब्रॉन्ज मेडल्स पे तरुण जांगड़ा, जिन्होंने टोटल दिया है 780 किलो, जिसमें उनकी हाईएस्ट स्क्वाट रही 310 किलो, हाईएस्ट बेंच रही 197.5 केजी और हाईएस्ट डेड रही 272.5 केजी। इनका टोटल हुआ 780 किलो तरुण जांगड़ा। करते हैं 93 केजी के बने सिल्वर मेडलिस्ट एसई की, जिनका बॉडी वेट है 92 किलो 340 ग्राम और इन्होंने टोटल दिया है 850 किलो। 850 किलो बहुत बड़ा नंबर है और इनका हाईएस्ट स्क्वाट रहा 345 किलो, हाईएस्ट बेंच रहा 200 किलो और हाईएस्ट डेड रहा 305 किलो, जिनका टोटल होता है 850 किलो 93 किलो में सिल्वर मेडलिस्ट। हैं 93 केजी के बने चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हरचरण सिंह की, जिन्होंने टोटल दिया है 850। जी हाँ, इन्होंने भी 850 टोटल दिया। आप देख रहे हैं कितनी फाइट है 93 केजी में, जो फर्स्ट आ रहा है वो भी 850 और जो सेकंड आ रहा है वो भी 850। हरचरण सिंह का बॉडी वेट है 85 किलो 300 ग्राम, इसलिए हरचरण सिंह का बॉडी वेट कम होने की वजह से हरचरण सिंह चैंपियन बने और हरचरण सिंह ने हाईएस्ट स्क्वाट की है 322.5, हाईएस्ट बेंच 175 किलो और हाईएस्ट डेड की है 352.5, जिनका टोटल होता है 850 किलो। और साथ ही साथ हरचरण सिंह जी ने डेड लिफ्ट में रिकॉर्ड होल्डर बने हैं 352.5 करके एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। एक 105 किलो वेट कैटेगरी की, जिसमें कि 34 खिलाड़ी थे और 8 खिलाड़ी वॉश आउट हुए और इसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे राहुल जोशी, जिन्होंने टोटल दिया है अपना 760 किलो, जिसमें उनकी हाईएस्ट स्क्वाट रही 315 किलो की, हाईएस्ट बेंच रही 187.5 किलो की और हाईएस्ट डेड रही 257.5 किलो की, जिनका टोटल होता है 760 किलो राहुल जोशी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। करते हैं 93 केजी के बने सिल्वर 105 केजी के बने सिल्वर मेडलिस्ट अंकित छिजोदिया की, और इसमें भी बहुत फाइट रही है, भी 5 किलो अब से ही जीते हैं सिल्वर मेडल। इन्होंने टोटल दिया है 765 किलो, इनकी हाईएस्ट स्क्वाट रही 315, सेम जितना कि राहुल ने की थी, इनकी हाईएस्ट बेंच रही 187 जितना कि राहुल ने की थी और इनकी हाईएस्ट डेड रही 262.5 किलो, जिससे ये सिल्वर मेडल जीते और इनका टोटल होता है 765 किलो अंकित सिसोदिया। पांच किलो के बने चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट
अमन राणा के, इन्होंने एक तरफा ही सबको बीट कर दिया। टोटल दिया है इन्होंने 810 इनका, जी हाँ टोटल है 810 किलो, और इनकी हाईएस्ट क्वेट रही है 322.5 किलो, हाईएस्ट बेंच रही 175 किलो, और हाईएस्ट डेड रही है 315 किलो, जिनका टोटल होता है 810 किलो, और सभी को बीट करते हुए ये बने हैं 105 किलो के चैंपियन अमन राणा। बात करते हैं 120 किलो वेट कैटेगरी की, जिसमें टोटल खिलाड़ी थे 24 और जिसमें से वॉश आउट हुए 7, और ब्रॉन्ज मेडल पे रहे हैं मोहित तोमर, जिन्होंने टोटल दिया है 657.5 केजी, 657.5 किलो, और जिनकी हाईएस्ट स्क्वेट रही है 270 किलो, हाईएस्ट बेंच रही है 152.5, और हाईएस्ट डेड रही है 252.5, जिससे इनका टोटल होता है 657.5 केजी। हैं 120 किलो के बने सिल्वर मेडलिस्ट रोहित की, जिन्होंने टोटल दिया है 715 किलो, और इन्होंने हाईएस्ट स्क्वेट की है 305 किलो, हाईएस्ट बेंच की है 160 किलो, और हाईएस्ट डेड की है 250 किलो, जिनका टोटल होता है 715 रोहित सिल्वर मेडल के साथ 120 किलो वेट कैटेगरी में। हैं 120 किलो में बने चैंपियन प्रदीप शर्मा की, जिन्होंने टोटल दिया है 787.5 केजी, इनका हाईएस्ट स्क्वेट रहा 320 किलो, हाईएस्ट बेंच रहा 187.5 केजी, और हाईएस्ट डेड रहा 280 किलो, इनका टोटल होता है 787.5 केजी। करते हैं लास्ट वेट कैटेगरी प्लस 120 किलो की, इसमें टोटल खिलाड़ी थे 11 और वॉश आउट हुए 7, तो इसमें से जो ब्रॉन्ज मेडल आए हैं वो है बीजे, जिन्होंने टोटल दिया है 610 किलो, इनकी हाईएस्ट स्क्वेट रही 260 किलो, हाईएस्ट बेंच 150 किलो, और हाईएस्ट डेड 200 किलो, जिनका टोटल होता है 610 किलो। तो गाइस अब बात करते हैं प्लस 120 किलो में बने सिल्वर मेडलिस्ट रजत की, जिन्होंने टोटल दिया है 670 किलो, जिनकी हाईएस्ट स्क्वेट रही है 260 किलो, हाईएस्ट बेंच रही है 170 किलो, और हाईएस्ट डेड रही है 240 किलो, जिनका टोटल होता है 670 किलो प्लस 120 में बने रजत सिल्वर मेडलिस्ट। बात करते हैं प्लस 120 किलो में बने चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट सबको एक तरफा बीट करते हुए संदीप गुप्ता, जिन्होंने टोटल दिया है 850 किलो, जिसमें उनकी हाईएस्ट स्क्वेट रही 357.5, हाईएस्ट डेड हाईएस्ट बेंच रही 212.5, और हाईएस्ट डेड रही 300 किलो, इनका टोटल होता है 850 किलो, और साथ ही साथ इनकी 9 की 9 लिफ्टे पास है, और अगर इंडिविजुअली मेडल भी मिलते तो भी इन्हीं के तीनों में फर्स्ट आता, इनकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्क्वेट भी रही, हाईएस्ट बेंच भी इनकी रही, और हाईएस्ट डेड भी इन्हीं का रहा। 850 के साथ टोटल देते हुए बने चैंपियन संदीप गुप्ता। इसमें ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो हाल मुंबई में जो हुई थी 2020 में, उसके मैंने आपको सारे के सारे गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सभी वेट कैटेगरी के नाम बताए और टोटल बताए। अब इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये कि हाईएस्ट स्क्वेट किसकी रही, हाईएस्ट बेंच किसकी रही, और हाईएस्ट डेड किसकी रही। तो इसमें और बात करते हैं तो हाईएस्ट स्क्वेट की है संदीप गुप्ता ने 357.5 किलो प्लस 120 किलो वेट कैटेगरी में, और हाईएस्ट अगर हाईएस्ट बेंच की है आदित्य पालीवाल 83 वेट कैटेगरी में 220 किलो, और हाईएस्ट डेड की है हरचरण सिंह ने 93 किलो में 352.5 किलो। ये और तीन टॉप अगर आप हाईएस्ट टोटल देखेंगे तो तीनों हाईएस्ट टॉप टोटल का 850 किलो है, जिसमें से एक हरचरण 93 में बने चैंपियन 850 किलो, और उन्हीं के वेट कैटेगरी में बने एसजे 850 किलो, और संदीप गुप्ता प्लस 120 किलो में बने 850 किलो। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो ऑफ पावरलिफ्टिंग बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अब अगली वीडियो हम वुमेन्स में बनाएंगे, तो प्लीज अपना ध्यान रखें, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से बच के रहें, घर में रहें, से अलर्ट, गुड हेल्थ।